नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं वुलन एलजेब्रा। ओके, सो नंबर सिस्टम हमने कंप्लीट किया था, उसके बाद अगला स्टेप पड़ाव आता है हम लोगों का वुलन एलजेब्रा का। दोस्तों वुलन एलजेब्रा का जो कंसेप्ट है ना, वो 1854 में जॉर्ज बूले नाम के साइंटिस्ट से है ना उन्होंने इस कंसेप्ट को दिया था। बेसिकली इनका क्या मानना था कि इन्होंने सिर्फ जो कि मशीनिंग लैंग्वेज है वो, या दो ही तरह की लैंग्वेजेस समझती है, एक तो क्या हाई और एक लो है ना, तो उन्होंने हाई को वन बोला, लो को जीरो बोला। तो इन्होंने बेसिकली इन्होंने वुलन एलजेब्रा को जो डिज़ाइन किया, उन्होंने किया था दो से तीन वेरिएबल हैं आपके पास, ठीक है ना, उनको अगर हैंडल करना हो है ना, उसमें रिडंडेंसी निकालनी हो, तो इन्होंने वुलन एलजेब्रा को डिज़ाइन किया था। तो इन्होंने बोला था दो स्टेट हो सकती हैं, तब ये एलजेब्रा जब काम करेगी, जब आपकी जो है दो स्टेट हो, जैसे ट्रू या फॉल्स, ओके, दूसरा जैसे हाई या लो, ठीक है, तीसरा ऑन या ऑफ, ओके। मतलब ये क्या है, दो ही स्टेट्स हैं, मतलब या तो कोई चीज सही है या गलत है, ठीक है, या फिर हाई है या लो है या ऑन है ऑफ है। इस केस में जो है, इसको इन्होंने जो है, जो आपका हाई है, ट्रू को इन्होंने वन बोला, हाई को वन बोला, ऑन को वन बोला, फॉल्स को जीरो बोल दिया, लो को जीरो बोल दिया, ऑफ को जीरो बोल दिया, मतलब सिर्फ दो ही स्टेट इसकी पॉसिबल हैं, बाकी स्टेट पॉसिबल नहीं होती हैं। तो इन्होंने इसके लिए एक एलजेब्रा सेट ऑफ रूल्स बनाया है ना, इसके लिए बाइनरी नंबर्स के लिए। तो चलिए उसके लिए मैं सबसे पहले कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बात करता हूँ है ना। सबसे पहले मैं नॉट ऑपरेटर के बारे में बात करता हूँ। बेसिकली नॉट ऑपरेटर का काम क्या होता है, कुछ भी नंबर हो आपके पास है ना, तो जैसे ही आप वो नॉट ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करेंगे, वो क्या करेगा, उसको नॉट कर देगा, ठीक है। जैसे ही उसके बाद आप जीरो से आप वन के हैं, मतलब उस पर नॉट को ऑपरेट करेंगे, ठीक है, है ना, मैं यहाँ डैश से लिख देता हूँ इसको, तो ये वन कर देगा। वन के साथ नॉट को ऑपरेट करोगे, ये जीरो कर देगा। तो इस तरह ये नॉट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। अब चलिए दूसरे ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा ऑपरेटर दोस्त हम लोगों का होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है ना। एंड ऑपरेटर को यूजुअली डॉट से किया जाता है, और इसका बिहेवियर किस तरह होता है, आप जीरो दोगे, मतलब लो, अगर एक भी लो हुआ तो जो आपको आउटपुट होगा वो जीरो देगा, एक भी अगर जीरो लो आउटपुट हुआ है ना ऐसे ही करके जीरो को अगर फिर वन के साथ करोगे एंड, है ना, इन चीज़ को बोलते हैं दोस्तों, दिस इज कॉल्ड ऑपरेंड्स, दीज आर कॉल्ड ऑपरेंड्स, है ना, जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो, ये है ऑपरेटर, है ना, जिन, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है जिनके ऊपर, दीज आर ऑपरेंड्स एंड दिस इज ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर का बिहेवियर क्या है कि जब से ही आप इसको जो डॉट करोगे, ये आपको जीरो प्रोवाइड करेगा, है ना, जैसे ही इस जीरो के साथ इसको एंड करोगे हाई के साथ, इट विल प्रोवाइड जीरो ओनली। तो ये सिर्फ वन को उस केस में देता है, वन के साथ जीरो को आप एंड करोगे तो भी आपको जीरो ही मिलेगा, है ना, और वन के साथ वन करोगे, एंड करोगे तो आपको वन मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इस ऑपरेटर का बेसिक फंक्शन क्या है दोस्त, है ना, मैं गेट की बात नहीं कर रहा हूँ, गेट्स हम आगे पढ़ेंगे, इन्हीं ऑपरेटर्स से मिलके बनते हैं गेट, गेट की बात हम आगे करेंगे। यहाँ पर जो आप ये चीज़ देख पा रहे हो, ये एंड ऑपरेटर इस तरह का ऑपरेटर है कि जब आपके दोनों ऑपरेटर हाई होंगे तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा, अदरवाइज आपको लो ही मिलेगा, ठीक है। तो आप इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं एक बार, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, है ना, काम भी आते हैं हम लोगों के लिए। अगेन मैं इसको x से लिख रहा हूँ, x को आप कंसीडर करना या तो वन या जीरो, मतलब कुछ भी हो सकता है। अगर आपने कोई भी x वेरिएबल को, है ना, x में ध्यान रखना दो स्टेट हैं जीरो या वन, उसके साथ जीरो से एंड किया तो यानी आपका आउटपुट कितना जीरो ही होगा। x को अगर आपने वन के साथ एंड किया तो आपको वापस से x ही मिलेगा, ठीक है। x को आपने x बार के साथ ऑपरेट किया तो सपोज करो x यहाँ पे जीरो था तो ये x बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो ही मिलेगा, ठीक है। अगर आपको सपोज करो वन था यहाँ पे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको जीरो ही मिलेगा। कहने का मतलब ये है, इसको आप जो है x को जब x बार के साथ करोगे तो एंड गेट करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा, ठीक है। x को x के साथ करोगे, है ना, x को x का मतलब जीरो है तो जीरो के साथ एंड करो, वन है तो वन के साथ एंड करो, तो आपको x ही मिलेगा, मतलब जो एज इट इज आपको वेरिएबल है वही मिलेगा, ठीक है। अगला ऑपरेटर इसी तरह का आता है, दैट इज कॉल्ड OR, ठीक है। जो दोस्तों OR ऑपरेशन होता है, इसको प्लस से करते हैं डिनोट, ओके। अगर मैं जीरो के साथ मतलब ये जो है जीरो के साथ ORing कर रहा हूँ जीरो की, तो जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना। अगर मैं जीरो को वन के साथ कर रहा हूँ तो ये आउटपुट वन मिलेगा, यानी कहने का मतलब इसका बिहेवियर कुछ इस तरह का होता है, अगर एक भी आपका ऑपरेंड वन है तो जो ऑपरेटर है बेसिकली आपको हाई लॉजिक ही प्रोवाइड करेगा, है ना, एक भी अगर वन हो जाता है तो, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे जीरो है, जीरो है, इसके साथ जो है आपको, माफ़ कीजिएगा ये मैंने कर दिया, वन है,
है ना, वन के साथ जीरो को कर दो या वन के साथ वन को कर दो, तो ये आपको बेसिकली क्या मिलेंगे दोस्त, यहाँ पर आपको वन मिलेगा, यहाँ पे आपको वन मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एटलीस्ट एक आपके पास हाई होना ज़रूरी था, है ना। यहाँ पर आपका एक हाई है, यहाँ पर एक हाई है, यहाँ पर दोनों हाई हैं, तो एक होना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार देख ले, प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं। अगर वेरिएबल एक्स है उसके साथ जीरो के साथ ओरिंग कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, सेम वेरिएबल मिलेगा, ठीक है। एक्स है उसके साथ ओरिंग वन को कर रहे हो तो क्या मिलेगा दोस्त, आपको वन मिलेगा। एक्स वेरिएबल है इसके साथ आप ओरिंग कर रहे हो एक्स बार को तो आपको क्या मिलेगा दोस्त, वन मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक्स है तो एक्स के साथ एक्स की ओरिंग कर रहे हो, आपको क्या मिलेगा दोस्त, एक्स मिलेगा। कुल मिला के जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो दोस्त इस तरह की हैं, एक्स है ना, अगर एक भी मतलब x को 0 के साथ करोगे तो x ही मिलेगा, x को x के साथ करोगे तो x मिलेगा, लेकिन अगर एक भी 1 है ना, या फिर x के साथ x बार है, x बार का मतलब क्या है, ये 0 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, क्योंकि एक एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो ये 1 ही मिलेगा दोनों केसेस। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन देता हूँ, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, आपके पास एक फंक्शन है, मैंने इसको w से लिख दिया है, ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी सी, ओके। ये मेरा एक फंक्शन है, आपको बताना है कितने नंबर ऑफ नैंड गेट चाहिए, है ना। हालांकि हम बाद में पढ़ेंगे, पर अभी मैं नैंड गेट बोल देता हूँ, नैंड गेट्स कितने चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए। तो इसको मैं पूरा फंक्शन को करने से पहले मैं अगर इसको मिनिमाइज़ कर लूँ, यानी इसमें कुछ मिन टर्म्स ऐसी हैं जो रिडंडेंट हैं, रिडंडेंट मतलब बोले जिनका कोई प्रभाव नहीं है, है ना। तो अगर मैं उसको सॉल्व कर लेता हूँ कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके, तो मुझे आसानी होगी पता लगाने में कि कितने नैंड गेट चाहिए। मैंने क्या किया, ए इसमें से कॉमन ले लिया, बी प्लस बी बार प्लस बी सी यहाँ पे मेरा बचा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये दोनों आए, बी प्लस बी बार, देखो एक्सोर की प्रॉपर्टी क्या थी, और की है ना, और की प्रॉपर्टी क्या थी, एक्स प्लस एक्स बार, ये आपका वन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, ये वाली चीज़ आपकी कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है। तो आपका ए वन प्लस बी सी, बी सी का मतलब अगर एक भी वन है तो जो भी आपकी वैल्यू आएगी ये क्या निकल के आएगी दोस्त, आपका वन ही निकल के आएगा, तो आपके पास ए बचेगा। अब आपके पास जो वेरिएबल है डायरेक्ट एज इट इज़ है, क्या इसको बनाने के लिए आपको नैंड गेट की ज़रूरत है, नहीं आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर नो नीड ऑफ नैंड गेट, है ना, नैंड की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे नैंड की कोई ज़रूरत नहीं है, तो समझ में आ गया आपको। तो कितने गेट चाहिए आपको, जीरो गेट्स आपको यहाँ पे चाहिए। तो ये फ़ायदा है दोस्तों यहाँ पे वुलन अलजेब्रा का, क्यों, क्या फ़ायदा मिला आपको दोस्तों यहाँ पर, इसका एडवांटेज क्या नज़र आता है। अगर मैं आपसे पूछूँ एडवांटेज बताइए, इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेजेस, है ना। सबसे पहला तो क्या किया था आपने, नंबर ऑफ गेट्स को रिड्यूस कर दिया, नंबर ऑफ गेट्स को आपने रिड्यूस कर दिया। दूसरा क्या किया दोस्तों, गेट्स रिड्यूस हो गए तो सीधी सी बात है आपकी स्पीड बढ़ गई, है ना। तीसरा क्या किया आपने, जो कॉम्प्लेक्सिटी थी, है ना, यहाँ पर देखोगे और मैं बोलूँ इस फंक्शन को खाली देख के आप बता दो नैंड गेट कितने चाहिए, तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना देंगे आप सिर्फ इसी को देखेंगे बिना इसको मिनिमाइज किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। चौथा है क्या है दोस्त, आपका पावर, पावर क्या है, जब आपकी कॉम्प्लेक्सिटी नंबर ऑफ गेट्स घट गए, सीधी सी बात है पावर भी घट गई। अगर पावर घट गई तो सीधी सी बात है आपकी कॉस्ट बढ़ गई, मतलब कॉस्ट भी घट गई, है ना। कॉस्ट ये कुल मिला के नंबर ऑफ गेट्स पे, कॉम्प्लेक्सिटी पे, पावर पे, इन तीनों पे डिपेंड कर रही थी, आपने क्या किया इन तीनों को मिनिमाइज करके कॉस्ट को काफ़ी हद तक कम कर दिया, है ना। मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही था, अगले लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए, जब हम अगला लेक्चर देखेंगे। आज मैंने आपको बताया कि बेसिकली बूलियन अलजेब्रा है क्या, है ना, और उसके कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, है ना, नॉट एंड और के बारे में, ठीक है। नॉट को देख लिया हमने, एंड को देख लिया, और को देख लिया, ठीक है। और मैंने ये बताया कि इसका एडवांटेज क्या है दोस्तों। अब मैं आगे आपको लेके चलूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स पे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, मिन टर्म्स को देखेंगे कि मिन टर्म नाम की चीज़ है, ये मिन टर्म है क्या भला, है ना। मैक्स टर्म को देखेंगे क्या है ये, है ना, ये दोनों आपस में किस तरह रिलेट है, ठीक है ना। वहीं पे मैं एक POS फॉर्म पढ़ाऊंगा, एक SOP फॉर्म पढ़ाऊंगा, मैं आपको वहाँ पे जाके एक स्टेटमेंट बोलूँगा कि सोप और पोस्ट फॉर्म ये एक दूसरे के ड्यूल हैं। अब सवाल उठेगा सर ये ड्यूल हैं क्या, तो फिर मैं ड्यूल भी बताऊँगा, है ना। तो ये सारी सिंक्रोनाइज होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू, अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर हिट कीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।